Now, our next topic is short form. In short form, we write face value of each digit in correct place. See here, we will learn with example. 100 plus 20 plus 8, ये एक expanded form है. उसे short form में लिखने के लिए हमें each digit की face value correct place पे लिखनी होती है. यर 100 के प्लेस पे है तो उसके फेस वैल्यू होगी 1, 2 इज एट अ प्लेस ऑफ टेंस उसकी फेस वैल्यू होगी 2 एंड 8 इज एट अ प्लेस ऑफ वंस सो उसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होगी 8. से नेक्स्ट एग्जांपल 200 प्लस 20 प्लस 5 यर 2 इज एट अ प्लेस ऑफ 100 उसकी फेस वैल्यू होगी 2. यर 2 इज एट अ प्लेस ऑफ टेंस तो उसके फेस वैल्यू हम लिखेंगे टेंस के प्लेस पे दैट इज 2. 5 इज एट अ प्लेस ऑफ वंस तो उसके फेस वैल्यू हम लिखेंगे वंस के प्लेस पे दैट इज 5. नाउ वी विल डू वन एक्सरसाइज रिलेटेड टू शॉर्ट फॉर्म. से नंबर ए यर 100 प्लस 6 तो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा 106. 100 प्लस 20 प्लस 9 1 इज एट अ प्लेस ऑफ 100 तो उसके फेस वैल्यू हम लिखेंगे 100 के प्लेस पे दैट इज 1. देन 2 इज एट अ प्लेस ऑफ टेंस तो उसके प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे टेंस के प्लेस पे दैट इज 2. एंड 9 इज एट अ प्लेस ऑफ वंस तो उसके फेस वैल्यू 9. इन अ सेम वे 100 प्लस 40 प्लस 4 तो 1 के फेस वैल्यू 100 के प्लेस पे दैट इज 1. 4 के फेस वैल्यू 10 के प्लेस पे दैट इज 4. एंड यर 4 इज एट अ प्लेस ऑफ वंस तो वहाँ आएगा 4. नेक्स्ट 100 प्लस 80 प्लस 7 यहाँ 1 जो है वो 100 के प्लेस पे है तो उसके फेस वैल्यू हम लिखेंगे 100 के प्लेस पे जो है 1. देन 8 इज एट अ प्लेस ऑफ टेंस तो उसके फेस वैल्यू आएगी 8. एंड 7 इज एट अ प्लेस ऑफ वंस तो उसका होगा 7. अब नेक्स्ट जो हमें सीखना है वो है बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर नंबर्स. ये हम एक एग्जांपल के साथ सीखेंगे. सी हियर 25 ये टू डिजिट नंबर है 25 तो इसके पहले मतलब उसके बिफोर कौन सा नंबर आएगा ये देखने के लिए हमें इसमें से 1 माइनस करना होगा तो 25 माइनस 1 तो वो होगा 24. एंड उसके पीछे यानी कि उसके आफ्टर जो नंबर आता है वो देखने के लिए हमें प्लस 1 करना होता है दैट इज 26. एंड 25 ये जो नंबर है इट इज इन बिटवीन ऑफ 24 एंड 26. सो वन मोर एग्जाम्पल 135 देन वट विल कम बिफोर 135 तो 135 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो 134. एंड 135 में एक ऐड कर देंगे तो वो होगा 136. अब हम बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन नंबर को नंबर लाइन से सीखेंगे. हियर वी विल टेक वन नंबर दैट इज 154. अब 154 के पहले मतलब कि उसके बिफोर आता है 153. अगर हम 154 में से 1 माइनस कर देते हैं तो वो होगा 153. तो ये जो बिफोर नंबर है 153 तो उसे हम 154 का प्रीडिसेसर बोल सकते हैं. नाउ अगर हम 155 की बात करें तो ये जो नंबर है वो 154 के बाद आता है मतलब जब हम 154 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 155 मिलता है तो हम 155 को 154 का सक्सेसर बोलेंगे. एंड यर ये जो 154 है वो उसके प्रीडिसेसर एंड उसके सक्सेसर के बीच में है तो हम बोलेंगे
कि 154 इज इन बिटवीन ऑफ 153 एंड 155। इन शॉर्ट अगर हम कोई भी नंबर में से 1 माइनस कर देते हैं तो वो उसके बिफोर वाला नंबर हो जाता है, और अगर 1 ऐड करते हैं तो वो उसके आफ्टर नंबर वाला हो जाता है। और एक एग्जांपल कर लेते हैं 158। अगर हम 158 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें उसके बिफोर वाला नंबर मिलेगा, दैट इज़ 157। और जो 157 है इट इज़ कॉल्ड एज प्रेडिसेसर ऑफ 158। और अगर 158 में हम 1 ऐड कर देते देन वी विल गेट आफ्टर नंबर, दैट इज़ 159। एंड 159 को हम 158 का सक्सेसर बोलेंगे। एंड नेक्स्ट इज 158 इज़ इन बिटवीन ऑफ 157 और 159। उसका मतलब ये जो 158 है वो 157 एंड 159 के बीच वाला नंबर है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज रिलेटेड टू बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन नंबर, सी नंबर ए। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर द गिवन नंबर। गिवन नंबर के पहले जो आता है वो हमें लिखना है, सी नंबर ए 123। तो व्हाट विल कम बिफोर 123, तो हम एक नंबर माइनस कर देते हैं, सो 122। नंबर बी, व्हाट विल कम बिफोर 140, तो 1 माइनस कर देंगे तो होगा 139। देन नंबर सी, व्हाट विल कम बिफोर 131, तो 130। नंबर डी, 186 के पहले क्या होगा, तो 185। देन 190, व्हाट विल कम बिफोर इट, तो हम 1 माइनस कर देंगे तो वो होगा 189। देन लास्ट इज 155, तो 155 के पहले होगा 154। सिमिलर वे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आफ्टर नंबर्स की। तो जैसे हमने बिफोर नंबर्स के लिए 1 माइनस किया, वैसे ही हम आफ्टर नंबर्स के लिए 1 ऐड करते जाएंगे। से नंबर ए 179, तो अगर 179 में हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो होगा उसका आफ्टर नंबर, दैट इज़ 180। देन बी इज़ 111, so what will come after that, that is 112। next is 120, to add 1, that is 121। then number d is 198, what will come after 198, that is 199। then 152, to uske baad aayega 153। Then next is 149, what will come after that, तो हम करेंगे 1 number, तो वो होगा 150। Then 166, what will come after that, तो एक add कर देते हैं 167। Then h 185, what will come after that, then 189। Then 197, what will come after that, then 198। Now we will learn comparison of a number। इसमें हम सीखेंगे कि हम दो numbers को compare कैसे कर सकते हैं। So starting with one example, here 190 and 99। तो हमने हमेशा सीखा है कि जो ज़्यादा डिजिट वाले नंबर होते हैं वो कम डिजिट से ज़्यादा होता है, मतलब 190 ये 3 डिजिट नंबर है एंड 9999 ये 2 डिजिट नंबर है। तो 190 इज़ ग्रेटर देन 99, ये जो 190 है वो 99 से बड़ा नंबर है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है एंड ये 2 डिजिट नंबर है। तो हम जो नंबर बड़ा है ग्रेटर है उसके सामने हमने ये साइन करनी रहेगी। देन नंबर टू 89
and 101. Year 8989 is 2-digit number and 101 is 3-digit number. तो यहाँ पर 101 is greater than 8989. तो अब हम 101 के सामने साइन करेंगे. Then 125 and 200. अब 125 3-digit number है and 200 is also a 3-digit number. तो जब दोनों number के digits सेम होते हैं तब हम लेफ्ट साइड के डिजिट से स्टार्ट करेंगे. अगर लेफ्ट साइड में जो नंबर बड़ा होगा इट विल बी कॉल्ड एज ग्रेटर नंबर. सी हियर इन 125 लेफ्ट साइड पे सबसे पहले है 1 एंड इन 200 सबसे पहले है 2. तो 1 और 2 में दोनों में से विच इज ग्रेटर नंबर दैट इज 2. तो 200 इज ग्रेटर देन 125. तो हमने 200 के सामने ये साइन करनी है. नाउ वी विल डू वन एक्सरसाइज रिलेटेड व्हाट वी हैव लर्न. सी नंबर 149 एंड 150 ये दोनों 3-digit नंबर है. तो हम लेफ्ट साइड से देखना शुरू करेंगे. यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो ये दोनों सेम है. तो हम दूसरा डिजिट देखते हैं. हियर इट इज 4 एंड हियर इट इज 5. तो 4 और 5 में से कौन सा डिजिट बड़ा है दैट इज 5. तो साइन आएगी ये साइड पे दैट इज 150 इज ग्रेटर देन 149. नाउ नेक्स्ट इज 166 एंड 106. हियर इट इज 1 हियर ऑल्सो 1. तो ये दोनों सेम है. तो दूसरा डिजिट देखते हैं. ये 6 है ये 0 है उसका मतलब 60 से ग्रेटर है. तो साइन होगी 166 के सामने ग्रेटर देन की साइन करनी है दैट इज 166 इज ग्रेटर देन 106. नाउ नेक्स्ट 153 135. हियर 1 इज सेम तो उसके बाद वाला डिजिट 5 एंड 3. तो 5 इज ग्रेटर देन 3. तो 153 इज ग्रेटर देन 135. नाउ नंबर डी 180 एंड 181. हियर इज ऑल्सो 1 सो वी विल टेक नेक्स्ट डिजिट दैट इज 1 एंड 8. तो ये जो 8 है वो 1 से बड़ा नंबर है. तो उसका मतलब हुआ कि 181 इज ग्रेटर देन 180. तो हम उसके सामने ग्रेटर देन के साइन कर देंगे. नाउ नेक्स्ट इज 129 एंड 129. 1 1 ये दोनों सेम नंबर है तो हम दूसरा डिजिट देखते हैं दैट इज 2 एंड 2. ये दोनों भी सेम है. देन थर्ड डिजिट देखते हैं दैट इज 9 एंड 9. इट मीन्स दैट ये दोनों डिजिट सेम है. तो हम करेंगे इक्वल टू की साइन. देन नेक्स्ट इज 136 एंड 119. पहला डिजिट है 1. हियर ऑल्सो इट इज 1 सो वी विल सी नेक्स्ट डिजिट दैट इज 3 एंड 1. तो ये जो 3 है वो 1 से बड़ा है. तो 136 is greater than 119. Next 179 and 197. पहला डिजिट 1 1. दोनों में सेम है तो हम दूसरा देखते हैं दैट इज 7 एंड 9. तो यहाँ जो 9 है वो 7 से ग्रेटर है. तो 197 is greater than 179. नेक्स्ट 188 एंड 188. तीनों डिजिट दोनों नंबर में सेम दिए हैं तो इसका मतलब थे बोथ आर इक्वल. देन लास्ट वन इज 160 एंड 106. हियर 1 इज इक्वल देन नेक्स्ट डिजिट देखते हैं 6 एंड 0. तो ये जो 6 है वो 0 से बड़ा है उसका मतलब होगा 160 इज ग्रेटर देन
6.